दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एशिया के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो एशिया का मानचित्र आपके सामने है। तो एशिया के मानचित्र में हम देखते हैं कि एशिया के दक्षिण में हो जाता है हमारा हिंद महासागर, और एशिया के पूर्व की तरफ हम जाएं तो देखते हैं कि एशिया के पूर्व में मिलता है हमको प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, और वहीं जहाँ हम पश्चिम की बात करें एशिया की, तो एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये सभी यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा का कार्य करते हैं, सीमा बनाते हैं। और एशिया महाद्वीप के भिन्न तथ्यों की ओर चलते हैं तो एशिया महाद्वीप में यह है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और तिब्बत के पठार के नीचे इधर नेपाल में आ जाते हैं। 8,850 मीटर की ऊंचाई का माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि पीक 15 के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और तिब्बत के पठार के ही पास में है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 4,875 मीटर। बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, इधर बांग्लादेश के पास में आ जाता है हमारा सुंदरबन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बनता है गंगा नदी पर। बांग्लादेश में सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है सुंदरी, तो सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम के ऊपर सुंदरबन का नाम पड़ा है सुंदरबन। कर लेते हैं एशिया में स्थित लैंडलॉक स्टेट्स की, मतलब लैंडलॉक कंट्रीज की। लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, तो इनमें है आ जाते हैं हमारे देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये हैं लैंडलॉक कंट्रीज। और इधर दक्षिण साउथ में आ जाते हैं लाओस, लाओस हो जाता है यहाँ पर लैंडलॉक स्टेट। और लैंडलॉक में है और नेपाल, भूटान, तो ये हो गए स्थलरुद्ध देश, मतलब लैंडलॉक स्टेट्स। तो इनमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप में लैंडलॉक स्टेट्स में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। हाँ, कजाकिस्तान के पास मंगोलिया, जी मंगोलिया भी एक लैंडलॉक स्टेट हो गया। तो ये हो गए लैंडलॉक स्टेट्स। एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े देश की, तो एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाता है हमारा रूस, हालांकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन फिर भी जो एशिया महाद्वीप में आता है वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बन जाता है। तो और चाइना जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से। चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का बड़ा देश है। और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें सबसे छोटे देश की, तो वो हो जाता है हमारा मालदीव। मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है।